जालौन के माधोगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस तहसील माधोगढ़ में मनाया गया। ये दिवस नए साल का पहला दिवस मनाया गया है। बता दें कि योगी सरकार में सत्ता संभालने के बाद महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, जिसमें आने वाली शिकायतों को यथासंभव उसी दिन निस्तारित किया जाएगा। जो शिकायतें निस्तारित नहीं होती उसको जल्द ही निस्तारित करनी पड़ती है। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर 34 शिकायतें आईं, जिसमें से 3 शिकायतों का निस्तारण उसी समय कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि बची शिकायतों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। शहर में जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। अन्ना पशुओं को लेकर बताया कि अन्ना पशुओं को गौशाला में रखने की व्यवस्था की जा रही है। शौचालय संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी जल्द ही निस्तारण कर दिया जाएगा। 34 एप्लीकेशन आई है जिसमें से 3 का निस्तारण हो गया। अतिक्रमण है जी, अतिक्रमण हटवाया जाएगा, प्लान बनाई जा रही है, अब अतिक्रमण हटवाया जाएगा। सुअरों को लेकर के अभी बताया गया ईओ साहब से कि एसडीएम साहब को रिपोर्ट दें तो उस पर फिर कार्रवाई की जाए। पब्लिक सहयोग से यहाँ भी एक रामपुरा में भी बन रही है गौशाला, बन रही गवर्नमेंट की तरफ से, और भी हमने अभी एसडीएम साहब से भी बात की है तो पब्लिक के सहयोग से भी गौशाला बनवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बन जाए जिसमें उनको रख दिया जाए। लेकिन फिर भी आए दिन जानवरों का आगमन बना रहा है जिस वजह से फसल नष्ट और भी होती जा रही है, किसान आए दिन पीड़ित हो रहे हैं, इस बारे में कहते हैं नहीं, जो गौशालाएं हैं गौशालाओं में जो उनके पशु जिनकी क्षमता उतने तो रखे ही जाएंगे। अभी तो गौशालाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं, रामपुरा में बन रही हैं और जो हम लोग सहयोग से पब्लिक सहयोग से बना रहे हैं, जैसे हो जाएंगे वैसे इनको पशुशाला में कर दिया। सर एक अहिता गांव में सर शौचालय की प्रॉब्लम आई, उसकी समस्या निदान। अहिता गांव में एक शौचालय की समस्या आई है, अभी तक उसका शौचालय नहीं बन पाया है। नहीं, वो लोग अभी तो उन्होंने दिया प्रार्थना पत्र, हमने वीडियो साहब को दे दिया है, ये तो पात्र होंगे तो उनको शौचालय तत्काल देंगे।